अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। जसवंत सिंह देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों में शुमार थे। देश के रक्षा मंत्री रह चुके थे, वित्त मंत्री रह चुके थे, विदेश मंत्री रह चुके थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान उनका दबदबा था। एनडीए के संयोजक भी रहे थे जसवंत सिंह। और आप देखिए कि जब जब अटल जी को राजनीतिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता था तब तब जसवंत सिंह एक हनुमान जी की भूमिका निभाते थे। जब अटल जी की गठबंधन वाली सरकार चल रही थी तो कभी जयललिता रुकती थी, कभी समता पार्टी रुकती थी, कभी कोई रुकता था। जसवंत सिंह मनाने के लिए जाते थे, कभी चेन्नई जाते थे जयललिता को मनाने के लिए, कभी कोलकाता जाते थे ममता बनर्जी को मनाने के लिए, क्योंकि तब तृणमूल कांग्रेस एनडीए को समर्थन दे रही थी। तो जसवंत जी की भूमिका बड़ी ही कह सकते हैं केंद्रीय भूमिका में थे जब अटल जी की सरकार थी। और खासतौर पर भारत अमेरिका के साथ जो रिश्ते प्रगाढ़ बनाने की बात आती है तो जसवंत सिंह के योगदान को नहीं भूला जा सकता। जब अटल जी के कार्यकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया के कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। उस समय जसवंत सिंह ने अटल जी के निर्देश पर अमेरिका के साथ संबंध बेहतर बनाने की शुरुआत की और अमेरिकी उप विदेश मंत्री के साथ उनकी लगभग 14 के आसपास वार्ताएं हुई थी और इन वार्ताओं की बदौलत अमेरिका भारत के करीब आया। तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने परिवार के साथ भारत का दौरा किया और उसके बाद से जो चाहे हम परमाणु करार की बात करें जो कि यूपी के कार्यकाल में हुआ था लेकिन उसकी शुरुआत बातचीत की शुरुआत जसवंत सिंह ने की थी। और आज अमेरिका और भारत के जो संबंध हैं वो कितने प्रगाढ़ हैं ये सबके सामने है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जसवंत सिंह की थी। इसके अलावा भी जसवंत सिंह बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में थे और खासतौर पर चाहे वो राजस्थान से चुनाव जीतने की बात हो, चाहे दार्जिलिंग से चुनाव जीतने की बात हो, राज्यसभा में भी वो रहे, सेना में उनका एक लंबा योगदान रहा, कार्यकाल रहा और एक निर्विवाद रूप से उनकी छवि थी। लेकिन जब कंधार कांड हुआ दिसंबर 1999 में, भारतीय विमान को अपहृत कर लिया, यात्रियों को अपहृत कर लिया आतंकवादियों ने, तब अजहर मसूद को छोड़ना पड़ा था भारत सरकार को और अजहर मसूद को कंधार लेकर गए थे, काबुल लेकर गए थे जसवंत सिंह। ये जो विवाद था उनके साथ आजीवन बना रहा और जो कह सकते हैं राजनीति के अंतिम दौर में जसवंत सिंह के बीजेपी से संबंध सहज नहीं रह गए थे। जब 2014 में उनको टिकट नहीं मिला लोकसभा चुनाव का तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए, हार गए। उसके बाद उनके बेटे भी बीजेपी से बाहर चले गए, लेकिन बीजेपी में उनका एक सम्मान है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उनका सम्मान करते थे और उनकी कुशल क्षेम पूछते रहते थे, क्योंकि पिछले अगर 5-6 सालों से देखें तो लगातार बीमार चल रहे थे। और जसवंत सिंह का योगदान बहुत रहा है, विदेश मामलों में रहा हो चाहे रक्षा मामलों में रहा हो, उन्होंने देश को अपना सर्वस्व दिया है और कह सकते हैं कि उनका निधन जो है वो एक अपूर्णीय क्षति है। आज के इस कार्यक्रम में हम जसवंत सिंह जी के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में किसानों को केंद्रीय भूमिका में रखा। अब उन्होंने बताया कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत के अभियान में कृषि और किसानों की खास भूमिका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को जो भ्रम फैला रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2014 में जब फल सब्जियों को मंडी से बाहर बेचने का अधिकार मिला था तो किसानों को उसका सर्वाधिक लाभ हुआ। क्या कहा है प्रधानमंत्री ने इसके बारे में विस्तृत तरीके से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जसवंत सिंह जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का लंबी बीमारी के बाद रविवार को निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्होंने निष्ठापूर्वक भारत की सेवा की तथा उन्हें राजनीति और समाज से संबंधित मामलों में उनके अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। पूर्व सैन्य अधिकारी जसवंत सिंह अगस्त 2014 में अपने घर में गिरने के बाद से बीमार थे। उन्हें सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद से उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस साल जून में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने एक बयान में कहा, गहरे दुख के साथ सूचित किया जाता है कि माननीय सेवानिवृत्त मेजर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर 2020 को सुबह करीब 6:55 पर निधन हो गया। वह 25 जून 2020 से अस्पताल में भर्ती थे। उनके विभिन्न अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था जिनका इलाज चल रहा था। आज सुबह उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। अस्पताल ने कहा कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। जसवंत सिंह के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उनका अंतिम संस्कार आज ही राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, जसवंत सिंह जी ने एक सैनिक के रूप में और उसके बाद लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान देश की निष्ठापूर्वक सेवा की। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली और वित्त, रक्षा तथा विदेश मामलों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से मैं दुखी हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाने वाले जसवंत सिंह वाजपेयी सरकार में रक्षा, वित्त और विदेश मामलों के मंत्री रहे। भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मोदी ने कहा, जसवंत जी को राजनीति तथा समाज से संबंधित मामलों में उनके अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने भाजपा को मजबूती देने में भी योगदान दिया। मैं उनके साथ हुए संवाद को याद कर रहा हूं। मेरी ओर से उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा कि उन्होंने अपनी विभिन्न क्षमताओं से देश की सेवा की और एक प्रभावशाली मंत्री तथा सांसद के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। राजनाथ सिंह ने लिखा, जसवंत सिंह जी को उनकी बौद्धिक क्षमताओं और देश सेवा में बेजोड़ योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने राजस्थान में भाजपा को मजबूती प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी ओर से संवेदनाएं। ओम शांति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी जसवंत सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। गहलोत ने ट्वीट किया, राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह जी के निधन से दुखी हूँ। उन्होंने ईश्वर से जसवंत सिंह की आत्मा की शांति और उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि गांव, किसान और देश का कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के आधार हैं तथा ये जितने मजबूत होंगे आत्मनिर्भर भारत की नींव भी उतनी ही मजबूत होगी। आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 69वीं कड़ी में अपने विचार व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के कठिन दौर में कृषि क्षेत्र और देश के किसानों ने फिर अपना दमखम दिखाया। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वह बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अधिक मजबूत रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, देश का कृषि क्षेत्र, हमारे किसान, हमारे गांव आत्मनिर्भर भारत का आधार है। ये मजबूत होंगे तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। मोदी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ सफल किसानों तथा किसान समूहों का जिक्र करते हुए कहा कि बीते कुछ समय से कृषि क्षेत्र ने खुद को अनेक बंदिशों से आज़ाद किया है और अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। हरियाणा के सोनीपत जिले के किसान कंवर चौहान की कहानी बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सब्जियाँ बेचने में बहुत दिक्कत आती थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में फल और सब्जियों को जब APMC कानून से बाहर कर दिया गया तो इसका उन्हें और अन्य किसानों को फायदा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज वह स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की खेती कर रहे हैं। इससे उनकी सालाना कमाई 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ हो गई है। प्रधानमंत्री ने कुछ अन्य किसानों की कहानी सुनाते हुए कहा कि इन किसानों के पास अपने फल व सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है और यह ताकत ही उनकी इस प्रगति का आधार है। उन्होंने कहा, अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल व सब्जियों के लिए ही नहीं, अपने खेत में वह जो कुछ पैदा कर रहे हैं, वह चाहे धान, गेहूँ, सरसों, गन्ना, जो भी उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ ज़्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आज़ादी मिल गई है। अब आपको मिलवाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के OST ओम प्रकाश शेट्टे जी से। ये जो एक मेडिकल सेल बना रखा है महाराष्ट्र सरकार ने, उसको भी हेड करते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए ये रो पड़े क्योंकि महाराष्ट्र सरकार निसहाय देख रही है कि लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और पहले दिन से देश में, पहले दिन से लेकर अब तक अगर कहीं सर्वाधिक हालात खराब हैं तो महाराष्ट्र में खराब है, खासतौर पर मुंबई और पुणे में। राजनेता भले ही कुछ ना कहें, जो सरकार में पदों पर बैठे हैं, मंत्री के पदों पर बैठे हैं, वो कुछ ना कहें, लेकिन एक अधिकारी में संवेदनशीलता है। आप देखिए कि कोरोना वायरस के हालात पर बातचीत करते करते वो कैसे फूट फूट कर रो पड़े। देखिए, मैं वहां पे छिप रह चुका हूं, जिस थाली में खाया है उसमें कभी छेद नहीं देना चाहता हूं। बहुत बुरा लगता है, कभी कभी नींद ही नहीं आती, सच में नींद नहीं आती, कि जहां पे हमने मंदिर बनवाया था वो मंदिर का ढांचा गिर चुका है अब, और जो भी कॉमन मैन है वो अभी नहीं बच पा रहे, तो बुरा लगता है। लेकिन ये जो डिस्क्रिटरी पावर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को अभी उनकी डिस्क्रिटरी पावर, उनको कैसा यूज करना है वो सोचेंगे, लेकिन अभी तो लोगों के हाल है ये तो
सही है, आपके सामने है। 17 लाख लोगों को हमने सेवा की थी, अभी लोग मर रहे हैं। हर दिन 600-600 मैसेज आते हैं और लोगों को रिप्लाई देते देते थक चुका हूं मैं। किसी से उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट में गया हूं। अब ये मेरी लास्ट उम्मीद है। कॉमन मैन नहीं बच पाएगा तो मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। ये मेरे अंदर की आवाज है, मेरे अंदर की मन की आवाज है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, पैसा नहीं है इसलिए मर रहे हैं। मेरी कोर्ट से दरखास्त कि अब इन लोगों को बचाइए, ये टेकने के लिए रख दूर कीजिए बस।